हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वीन। लर्न फिजिक्स इन द इजीएस्ट वे। सो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है यहाँ पर। टू स्मॉल पॉइंट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट ऑन द सीलिंग बाय एन इंसुलेटिंग मासलेस स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। एंड लेंथ जो गिवन है वो एल गिवन है आपको, और चार्ज क्यू है, और मास जो है ऑब्जेक्ट्स का वो एम है। द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज एज शोन इन द फिगर। इफ द मास ऑफ ईच चार्ज इज एम, देन द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग दैम विल बी। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजिशन में हम मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो एक्स है, और दोनों पार्टिकल्स एक रिपल्शन की वजह से पास में होंगी यदि बॉल्स, तो क्यू चार्ज जब देंगे तो रिपल्शन की वजह से एक दूसरे से काफ़ी दूर चली जाएगी। और यह एक क्वेश्चन में गिवन है कि थीटा एंगल पर जाके दोनों लाइंड हो गई है। सो इफ द मासेज आर इक्वल, बोथ एंगल्स विल बी सेम, क्योंकि जो आपके फोर्सेस बैलेंस कर रहे हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में, वो आपके एंगल्स को इक्वल कर देंगे। सो यहाँ पर जो टेंशन है जो स्ट्रिंग में काम कर रहा है इन बोथ द वायर्स, तो टी कॉस थीटा इन दोनों के वेट को बैलेंस करेगा एम जी को। और यदि हम इस बॉल पे, इस चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स की बात करें तो वो के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। तो टी साइन थीटा बैलेंस करेगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर को, और टी कॉस थीटा वेट को बैलेंस करेगा। तो यहाँ से हमने डिवाइड किया वन को और टू को, टेन थीटा मिल गया हमें, के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्यू बाई एक्स को हम लिख सकते हैं रूट एम जी टेन थीटा बाई के। अभी हमें पोटेंशियल निकालना है एट दिस मिड पॉइंट। तो यहाँ से हम बात करें, यदि इस चार्ज से डिस्टेंस होगी एक्स बाई टू, और इससे भी डिस्टेंस होगी एक्स बाई टू, तो दोनों डिस्टेंसेज को हम यहाँ पर देखें तो के क्यू बाई एक्स बाई टू और के क्यू बाई एक्स बाई टू स्केलर क्वान्टिटीज़ है, डायरेक्टली ऐड हो जाएंगी, तो फोर के क्यू बाई एक्स आएगा। सो यहाँ पे के ऑलरेडी है, क्यू बाई एक्स को लिख सकते हैं रूट एम जी टेन थीटा बाई के। सो वी विल बी फोर रूट एम जी के टेन थीटा।